डियर स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ NCERT, चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। इसमें कुल 3 एक्सरसाइजेज हैं। अब वो एक्सरसाइजेस किस पर निर्भर है, डिपेंड कहाँ है, आओ देखते हैं। हमें देखना होगा लाइन क्या है, एंगल क्या है, एंगल कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो पहले समझते हैं लाइन। लाइन आपने देखा होगा, लाइन एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स। अब आप देख लीजिए कि लाइन क्या होती है। अगर आप देखें तो लाइन अपोजिट डायरेक्शन में लंबी सी रेखा, एक तरह से इसको बिंदुपथ कहा जाता है। बिंदुपथ हिंदी में कहते हैं इसको, लोकस के मतलब अनंत पॉइंट्स होते हैं इसमें और दोनों डायरेक्शन में ये खूब बड़ी सी फैलती चली जाती है और इनफाइनाइट लेंथ होती है इसकी। दोनों साइड इनफाइनाइट लेंथ होती है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती, मतलब इसमें कोई थिकनेस नहीं होती है, बहुत लंबी सी होती है, इसी को लाइन बोला जाता है। दोनों साइड में एरो बना होता है, इसी को लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन एक लेंथ होती है, वन डायरेक्शन की होती है ये, बस मैंने 1D कहलाती है, ये 2D नहीं होती है, कि दो अपोजिट डायरेक्शन में इनफाइनाइट लाइन तक जाती है, इनफाइनाइट टाइम तक जाती है ये, इसी को कहते हैं लाइन। इसमें केवल लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती है, थिकनेस नहीं होती है, कुछ नहीं होता, हाइट नहीं होती है। ठीक है, तो लाइन हो गया। अब अगर हम बात करें तो एक चीज़ होती है रे। रे क्या होती है, किरण कहते हैं इसको। किरण क्या होता है, किरण लिख देता हूँ, दोनों स्टूडेंट्स हैं तो इसका एक एंड पॉइंट होता है और यहाँ से किरण चलती है। देखो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन इसका एक एंड पॉइंट होता है और उसके दूसरे डायरेक्शन में ये इनफाइनाइट लेंथ तक जाती है, इसी को हम कहते हैं किरण। अब सोचो फिर एंगल कहाँ से बनेगा। एंगल सपोज करो कि किसी पॉइंट से दो डिफरेंट डायरेक्शन में एंगल्स जाए, किरणें निकले, तो यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा। या अगर कोई दो लाइन हो और किसी जगह पर बाइसेक्ट कर रही हो, या फिर बाइसेक्ट न कर रही हो बस इंटरसेक्ट कर रही हो, तो यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, देख रहे इतने सारे एंगल बन गए। यानी दो लाइन के बीच में जो ये दिखाई पड़ रहा आपको, इसी को एंगल बोलते हैं। और ये एंगल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, इसका ये लेंथ दूर होता जाएगा, लेकिन इसका ये एंगल अगर मान लो 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री ही कहा जाएगा, वो चाहे जितना भी बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये है लाइन एंगल। अब इसमें हम लोग को देखना है कि कितने टाइप के एंगल हम लोग को दिखाई पड़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। अब कोण के प्रकार में आप देखोगे तो पहले प्रकार का कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोला जाता है इसको, न्यून कोण हिंदी में कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है, यह इसकी खासियत क्या होती है, ये 90 डिग्री से कम होता है, यानी इसको कहेंगे लेस देन 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री से एंगल से कम हो, चाहे जितना कम हो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 89 डिग्री, 89.999 डिग्री को भी हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो एक हो गया एक्यूट एंगल। अब सेकंड क्या है, ये होता राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, समकोण कहते हैं इसको, हिंदी में कहेंगे समकोण। ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, बस एग्जैक्टली, न 90 से कम होगा न 90 से ज़्यादा होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तीसरा कोण जब चलेगा उसका नाम होगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। ये क्या होता है, ये 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से कम होता है। देखो 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम होता है, कम यानी मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑप्टिक्स एंगल। ठीक है, अधिक कोण कहते हैं उसको। ओके, अब नंबर 4 अगर हम देखें तो उसका नाम है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है
ऋजु कोण, हिंदी में कहते हैं इसको ऋजु कोण। ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री का होगा, ये रहा एग्जैक्टली 180 डिग्री का होगा, उसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल। अब चौथा पांचवा नंबर पर आता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। इसके अलग अलग नाम है, एक नाम है इसका बृहद कोण, बृहद कोण, एक का नाम है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती। दरअसल हिंदी में नाम अलग अलग हैं और उस नाम की वजह से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो ये क्या होता है कि 180 से तो ज़्यादा होता है, अधिक होता है, लेकिन क्या होता है 360 से कम होता है, यानी मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, 180 से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होगा। और सिक्स लास्ट एंगल है, उसका नाम होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये होता है संपूर्ण कोण कहते हैं इसको, संपूर्ण कोण होता है एग्जैक्टली 360 डिग्री को कहते हैं। जैसे 360 डिग्री को कंप्लीट माना जाता है ना, जैसे इतना ही होता ही है, यानी हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर में डिग्री को बनाया गया एंगल को तो 360 को कंप्लीट एंगल, माने एक कंप्लीट चक्कर को 360 बता देते हैं, ठीक है। अब उसी को चार एग्जैक्ट भागों में बांट देते हैं जब इक्वल पार्ट में, तो फोर राइट एंगल बन जाते हैं, यानी फोर राइट एंगल अगर मिला दिया जाए तो वह एक कंप्लीट एंगल बन जाता है। फोर राइट एंगल का मतलब हुआ 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी 9 3 9 4 36, 360 डिग्री का हो गया ये आपका संपूर्ण कोण, ठीक है। तो ये छह कोण आपको एकदम याद रखना है, आने वाले समय में इसकी आवश्यकता खूब पड़ेगी। अब हम इसको हटाते हैं, अब कुछ और एंगल की चर्चा करते हैं। और एंगल किसे कहते हैं, दरअसल इस ज्योमेट्री में टर्म के ऊपर सवाल बनते हैं, टर्म पर। अब एक चीज़ होता है उसका नाम हुआ एडजेसेंट एंगल। देखो जैसे सपोज करो कोई एंगल ऐसे बना हुआ है और इसके बीच में लाइन, तो इस एंगल को और इस एंगल को इसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं, अगल बगल वाला कोण ना, एडजेसेंट एंगल इसका नाम होता है, एडजेसेंट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, और ये जो साइड होता है इस साइड का नाम होता है एडजेसेंट साइड ना, उभयनिष्ठ रेखा जो दोनों में काम आ रही है, ठीक है। एक एंगल ये भी बन जाता है। अगर आप के पास एक ऐसा कोण बन जाए, ऐसे सीधी लाइन हो और यहाँ पर एक कोण बन जाए ऐसे, इसको आप लीनियर पेयर कह सकते हैं। लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल मिलकर एक सीधी रेखा बना देते हैं, लीनियर सीधी रेखा बना देते हैं, तो इस कोण का नाम पड़ गया लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर हमेशा 180 का होता है, ध्यान रखिएगा, लीनियर पेयर कहते हैं। रैखिक युग्म, हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर होगा इसको हिंदी में कहेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म हिंदी में कहते हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है इन दोनों को जोड़कर, सपोज करो इसका नाम x है इसका नाम y है, तो हमेशा x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि दोनों मिल करके एक सीधी रेखा बना देते है ना, इसको कहते हैं रैखिक युग्म। अब कुछ ये सब नाम ले रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए कि जब आप लेसन अपना पढ़ेंगे तो इन सारे शब्दों की कहीं कहीं मिलेंगे आपको, रेखीय युग्म मिल गया। अब आपको क्या मिल सकता है, एक मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको कहते पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोण मिल करके 90 डिग्री बन जाए तो उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। मतलब अगर दो एंगल मिल जाए x प्लस y और दोनों मिल करके 90 डिग्री बन जाए तो x का कॉम्प्लीमेंट्री y होगा, y का कॉम्प्लीमेंट्री x होगा। जैसे पूछा जा सकता है कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो आप कहोगे 60 डिग्री में क्या ऐड कर दें कि ये बन जाए 90 डिग्री, तो x की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 60
इसका मतलब 30 डिग्री, इसका मतलब हुआ 60 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 30 और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60, इसको मतलब पूरक कोण, ठीक है। हिंदी में आप समझे कि 60 का पूरक कोण होगा 30 और 30 का पूरक कोण होगा 60, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। एक कोण बनता है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, इसको कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण ये जब दो कोण मिलकर के 180 डिग्री बन जाते हैं तब उसका नाम होता है समपूरक कोण। मतलब वहाँ ऐसे दिया रहेगा x प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री, तो कहा जाएगा x का सप्लीमेंट्री y है और y का सप्लीमेंट्री x है, क्योंकि दोनों मिलकर के बन रहे हैं 180 डिग्री। देखो सपोज करो कहा जाए 120 का सप्लीमेंट्री बता दो, तो आप क्या करोगे 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 आ गया 60 डिग्री। तो आप कह सकते हो 120 का सप्लीमेंट्री 60 डिग्री है और 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री 120 डिग्री है, ठीक है। तो ये रहे आपके एंगल चल रहे हैं, है ना। अब एक खास चीज़ अगर आप देख लें तो सारी एक्सरसाइज आपकी एक साथ ख़त्म हो सकती है, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें एक साथ सीखने को मिलेगी। अगर हम दो लाइन ऐसे पैरेलल बना दें और उसको एक कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे कई सारे एंगल बन रहे हैं ना, 8 एंगल टोटल बन रहे हैं। और इस 8 एंगल का हम नाम रख देते हैं, सपोज करो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, ऐसे ई एंगल ई है, ये एंगल एफ है, ये एंगल जी है, ये एंगल एच है। कुल 8 एंगल आपके सामने है। ध्यान रखना होगा ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ऐसा होता है तो कई सारे पेयर बनते हैं, एंगल के पेयर बनते हैं, उनके नाम क्या क्या है देखो। नंबर एक बनता है करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल को कहते हैं हिंदी में संगत कोण, संगत कोण। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं अगर वो पैरेलल लाइन में। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें संगत कोण कौन कौन है, जिससे एंगल ए है और एंगल ई है। देखो एंगल ए एंगल ई, एंगल ए और एंगल ई, इसको आप संगत कोण का पेयर कह सकते हो। ऐसे ही आप कह सकते हो एंगल डी एंगल एच, एंगल डी और एंगल एच, ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। इधर भी आ जाओ एंगल बी एंगल एफ, एंगल बी और एंगल एफ, ये आपके संगत कोण के पेयर है। और एंगल सी और एंगल एफ, एंगल सी और एंगल एफ, ये आपके संगत कोण कहलाएंगे और ये आपस में बराबर होते हैं। यानी जितना बड़ा एंगल ए होगा उतने बड़ा एंगल ई होगा, जितना बड़ा एंगल सी होगा उतने बड़ा एंगल जी होगा, एकदम एग्जैक्टली सेम। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ओके। तो इसको कहते हैं हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल। नंबर दो पर बनता है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल को हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन बनता है? एकांतर माने क्या होता है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है आपको एक एंगल लाइन के इस साइड रहेगा तो एक एंगल लाइन के इस साइड रहेगा, इसी को एकांतर कोण कहेंगे। कैसे? जैसे एंगल डी बराबर एंगल एफ हो जाएगा आपका। देखो एंगल डी और एंगल एफ ये हमेशा बराबर होगा, ध्यान रखिएगा एंगल डी और एंगल एफ ये हमेशा बराबर होगा। ये तभी बराबर होगा जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तब। ऐसे ही एंगल सी बराबर एंगल ई होगा, एंगल सी और बराबर एंगल ई होगा। एंगल बी बराबर एंगल एच होगा, एंगल बी बराबर बराबर नहीं लिखते हैं, कॉमा लगा देते हैं, मतलब इसके अंदर से बराबर होगा एंगल एच। और एंगल ए इजक्ल टू एंगल जी होगा, एंगल ए इजक्ल टू एंगल जी होगा। तो ये जितने हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं इनके सारे एंगल्स बराबर होते हैं, इनका नाम होता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तीसरा जो इनका कॉन्सेप्ट बनता है वो होता है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या हुआ? अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन पाए जाते हैं? देखो अगर हम ऐसे दो लाइन काटें तो ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कहलाते हैं, आमने सामने वाले। तो देखो एंगल ए और एंगल सी शीर्षाभिमुख हुआ कि नहीं हुआ बोलो? एंगल ए और एंगल सी ये शीर्षाभिमुख हुआ।
ऐसे एंगल बी एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी शीर्षाभिमुख हुआ, और कौन शीर्षाभिमुख हुआ, एंगल एफ एंगल एच शीर्षाभिमुख हुआ, एंगल एफ एंगल एच शीर्षाभिमुख हुआ, और एंगल ई एंगल जी, एंगल ई और एंगल जी ये शीर्षाभिमुख हुआ, ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये भी बराबर। अब एक और बात, इसको कहते हैं को इंटीरियर। देखो डी और ई, ई एक तरफ यानी जो लाइन ट्रांसवर्सल है इसके एक तरफ अंदर वाले दोनों एंगल अगर जोड़े जाएं, एंगल डी और एंगल ई अगर जोड़े जाएं तो 180 होगा, ऐसे एंगल सी और एंगल एफ ऐड किया जाए तो भी 180 होगा, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। हम यहाँ लिख देते हैं एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और एंगल सी प्लस एंगल एफ ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब ये होगा ही होगा, ठीक है। तो ये रही जानकारी, अब इस जानकारी के ऊपर आपकी सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सोचो 15 मिनट की जानकारी अगर आपको मिल गई तो आपके पास कुल तीन एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, तीन के तीनों फिनिश हो जाएगी। आइए एक एक करके हम एक्सरसाइज देखते हैं। हम क्वेश्चन लेते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 की चर्चा करते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, बात करते हैं आपसे। 6.1 में एक डिजाइन बनी हुई है, डायग्राम बना हुआ है। चलो पहले उस डायग्राम को लिखते हैं। डायग्राम इस तरह से है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है ई, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ओ। डिजाइन आपके सामने। अब क्वेश्चन लिखा है कि इन फिगर 6.6613 ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर ए बी और सी डी काटते हैं, अच्छी बात है। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ सी, देखो गिवन है ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ, 70 डिग्री, एंड बी ओ डी और ये भी दिया, ये गिवन है, देखो ये गिवन है, ठीक है। और एक चीज़ और दिया है बी ओ डी, बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी गिवन है। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये गिवन है, पूछा गया है, दो एंगल हमसे पूछा गया, कौन सा, फाइंड फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ डी, रिफ्लेक्स बोला है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है एंगल सी ओ डी का, दो चीज़ें हमसे पूछी गई इस चैप्टर। अच्छा बताओ हमको दिया है बी ओ डी 40 डिग्री, बी ओ डी ये एंगल बताया गया है 40 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री हुआ तो इसके ठीक सामने ये पड़ता है शीर्षाभिमुख कोण, बताओ पड़ता है कि नहीं, तो अगर ये 40 हुआ तो ये भी 40 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, यानी अब हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी, अब यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट, यानी शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट ये लिख देंगे तो इससे ये हो जाएगा कि हाँ भाई ये दोनों है। अब सोचो जरा, ये जो गिवन है लाइन पहली ए ओ सी और बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलकर 70 डिग्री है, भाई ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, आओ देखते हैं। अब हम इस लाइन को प्रूव करने जा रहे हैं, देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है और इसकी वैल्यू हम लोग 40 समझ गए हैं, तो अगर इस 40 को हम उधर लेकर जाएं तो बताओ एंगल बी ओ ई क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ ई हो जाएगा 70-40 बराबर 30 डिग्री, यानी एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये वाला एंगल बी ओ ई पूछा गया था, एंगल बी ओ ई 30 डिग्री आ गया। अब हमको बताना है कि रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ डी बताना है, यानी सी ओ, सी ओ डी नहीं है, सी ओ ई है, सॉरी सी ओ ई है, देखो C
सी ओ ई, यानी इसका रिफ्लेक्स बताना। अच्छा आप बताओ, पहले तो सी ओ ई की वैल्यू निकाल लो आप। कैसे? ये जो सीधी लाइन है 180 की होगी, ये 40 है, ये 30 है, तो सी ओ ई की वैल्यू तो ऐसे ही मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? देखो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 110 डिग्री। बताओ एंगल सी ओ ई बन गया 110 डिग्री। कैसे? ये 40 है, ये 30 है, 70 है, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 डिग्री। अब रिफ्लेक्स पूछा, सी ओ ई नहीं पूछा, रिफ्लेक्स सी ओ ई पूछा। रिफ्लेक्स का मतलब हुआ इसको छोड़ के बाकी बता देना, यानी 360 में से इसी को माइनस कर दो। जैसे मान लो कोई डिग्री है 60 डिग्री, तो इसका रिफ्लेक्स क्या हुआ, 360 माइनस 60 डिग्री। रिफ्लेक्स माने उसको छोड़ के बाकी बता देना। तो अब चलो निकालते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 110, तो ये हो जाएगा आपका 250 डिग्री। तो एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर आपका ये आ गया, दोनों आंसर आ गए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात आपको क्लियर हुई? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, सेकंड क्वेश्चन में भी एक डिजाइन दी गई है, तो चलो पहले डिजाइन बनाते हैं। सीधी लाइन है, इस पर राइट एंगल बना हुआ है, फिर एक लाइन ऐसे काट रही है, ठीक है। इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, इसका नाम है एम, इसका नाम है पी, इसका नाम है एन, इसका नाम है ओ। अब यहाँ पे वैल्यू दी गई है ए, यहाँ की वैल्यू दी गई है बी, और यहाँ की वैल्यू दी गई है सी, दे दिया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन फिगर दिस लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक है, हाँ 90 डिग्री, एंड ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। वाह, ए इज टू बी दे रखा है, ए रेशियो बी दिया है 2:3, तो फाइंड सी, तो सी की वैल्यू बतानी है। एक बात बताइए, ये ए 90 है और हमको एक बात पता है कि ए प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। बोलो, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी स्मॉल लेटर और प्लस 90 इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, सीधी लाइन हो जाएगी, यहाँ पर आप रैखिक युग्म कह सकते हो, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अब क्या हुआ, इस 90 को हम उधर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये दोनों मिलकर 90 हैं, कन्फर्म हो गया। अब क्या करना है, एंगल ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2x, और एंगल 3 की जगह लिख सकते हैं 3x, या फिर ए और बी को हम इसमें बांट सकते हैं। कैसे, एंगल ए बराबर क्या होगा बताओ, आप जानते हो 90 डिग्री को इन दोनों में बांटना है 2:3 के रेशियो में, तो रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा 90 × 2/5 कहाँ से, इनको जोड़ने पर 3 × 2 = 5, ये हो जाएगा 36 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई। अब चलो एंगल बी की वैल्यू मिलने वाली है, एंगल बी हो जाएगा 90 × 3/5, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री, ये आ गए, यानी ये आ गया 36 डिग्री और ये आ गया 54 डिग्री, आ गए। अब हमको बताना है एंगल सी, अब बताओ एंगल सी क्या है। अगर हम एंगल सी को ध्यान से देखें तो एंगल सी और ये दोनों एंगल, ये दोनों पढ़ते हैं वो क्या ना, वर्टिकली अपोजिट, ध्यान दीजिएगा, एंगल सी ये पूरा देख लीजिए और ये दोनों एंगल देखिए, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट आते हैं, आते हैं। और अगर मान लो ऐसे नहीं करना चाहो तो दूसरा रास्ता भी है कि एम एन एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पर एक डिग्री 54 बन रखा है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो एंगल सी प्लस 54 डिग्री वो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताओ एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
180 माइनस 54, देखो सीधी लाइन है ना, तो इस पर C बना हुआ है और इसकी वैल्यू 54 आ चुकी है, तो C प्लस 54 करेंगे बराबर 180, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 10 माइनस 4 6, 126 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था, बहुत आराम से आपने देखा, कुछ करना नहीं है, आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, मौखिक लगा सकते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा, जब एग्ज़ाम में आएगा तो इसे लिख कर जवाब देना पड़ेगा, इसलिए हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन में भी एक डिज़ाइन बनी हुई है, और डिज़ाइन देखते हैं। ये सीधी लाइन है, ऐसे बनी हुई है, ये पी है, क्यू है, आर, ये टी है, और ये यस, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर, थर्ड क्वेश्चन है, ट्रायंगल एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये बराबर दिया हुआ है, इक्वल है, ओके। प्रूव दैट, अब आपको प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, आपको प्रूव करना है। अच्छा बताओ, अगर ये इक्वल एंगल है तो इसकी कुछ वैल्यू एज्यूम कर लो, लेट दिस एंगल बी एक्स एंड दिस एंगल बी आल्सो एक्स, मान लो ये भी एक्स डिग्री है और ये भी एक्स डिग्री, बराबर है तो बराबर है, तो बताओ यहाँ पर आप लीनियर पेयर लगा दोगे तो इस एंगल का नाम क्या होगा, पी आर टी की वैल्यू बताओ, बताओ एंगल पी आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर टी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस एक्स डिग्री। जरा बताओ पी क्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल पी क्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये सीधी लाइन है और उसमें से एक्स निकाल लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 180 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू भी 180 माइनस एक्स, तो क्या आप लिख सकते हो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, बराबर है कि नहीं बराबर है, और अगर ये बराबर है तो फिर ये लाइन हमारी बराबर हो जाती है, ये रहे। तो इसमें आपको यही इतना करना था कि बराबर प्रूव कर देना है, बस ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में भी एक डिजाइन बनी हुई है, डिजाइन तो सब में दिया गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अच्छा ये एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री है, ये जेड डिग्री है, ये डब्ल्यू डिग्री है, ओके, इसको ओ कहा गया। आपको यहाँ पर दिखाना है इस एंगल में, ये दिखाना है कि गिवन है, क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये मतलब गिवन है, पहले से दिया गया है कि एक्स प्लस वाई बराबर, देखो एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, क्यों नहीं दिया जाएगा, लीनियर पेयर ए भी है, लीनियर पेयर ए भी है, ए भी 180 है, वो भी 180 है, दिया ही जाएगा। तो आपको बताना है कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी एक लाइन आपको प्रूव करना है। देखो कैसे नहीं हो जाएगा, देखो जब ये दोनों वैल्यू बराबर करते हैं, हम एक बात जानते हैं, अगर सारे एंगल को जोड़ दिया जाए ऐसे एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कर दिया जाए तो ये 360 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, चारों चारों एंगल जोड़ दिया जाए तो चारों डिग्री मिलकर 360 डिग्री होगा, कंप्लीट है। अब बताइए हम W प्लस जेड की जगह पे X प्लस वाई लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है ये, तो ऐसे हो जाएगा, देखो X प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 है। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ, 2X प्लस 2Y, 2X प्लस 2Y इज इक्वल टू 360। अब 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये बनेगा X प्लस वाई इज इक्वल टू 360, तो क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 360 अपॉन 2, मतलब ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा,
तो आपने काटा तो आ गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री x प्लस वाई जो है ये 180 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ए ओ बी एक लाइन है, मतलब सीधी रेखा है, तभी वो 180 बन सकता है, मैंने सीधी रेखा ही 180 बनती है, चौथा क्वेश्चन था, सीधी रेखा ही 180 डिग्री बनती है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। आइए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी एक डिजाइन दिया हुआ है, डिजाइन कैसा है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, और ये 90 डिग्री गिवन है पहले से, ठीक है, ये जहाँ पर इस प्रकार का अगर एंगल दिख रहा है तो उसको हम लोग 90 डिग्री जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, इन फिगर दिस पी ओ क्यू ए लाइन दिख रहा, ये O है, लाइन है, रे ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी एस, सही है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा ही होगा, अच्छी बात है, एंड द रे लाइंग बिटवीन द रेस ओ पी एंड ओ आर प्रूव दैट, यानी एक रे और है इनके बीच में, ओ पी और ओ आर के बीच में एक लाइन जाती है, वो भी दिख रही है, ठीक है, हमको प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि एंगल क्यू ओ एस कहाँ है, क्यू ओ एस यानी इस पूरे एंगल में से, क्यू ओ एस माने ये होता, इसमें से अगर पी ओ एस माइनस कर दिया जाए, पी ओ एस ये माइनस कर दिया जाए और उसका भी आधा कर दिया जाए तब आर ओ एस बनेगा, तब ये वाला बनेगा, बोलो। अच्छा सोचो हम इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम एक्स मानते हैं अंदर वाले को, और इस वैल्यू को हम वाई मान लेते हैं, और मान करके जैसे जैसे कहा है उसको हम रख देंगे, बोलो एंगल आर ओ एस को हम क्या कहेंगे, आर ओ एस, बोलो आर ओ एस मतलब एक्स इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस का है, क्यू ओ एस का मतलब 90 प्लस एक्स माइनस पी ओ एस, पी ओ एस क्या है वाई, हुआ कि हमको ये प्रूव करना है कि जो आर ओ एस है यानी एक्स है वो 90 प्लस एक्स माइनस वाई आपके 1/2 के बराबर, आओ चलो चेक करते हैं, अगर इस 2 को हम इधर ले आए तो क्या होगा, ये होगा 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 90 प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स वाई को दोनों को इस साइड लाएंगे, तो एक्स को जब इधर लाएंगे तो इसमें से एक्स माइनस होकर एक्स बचेगा, और ये y इधर आएगा तो प्लस बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका बनेगा, यानी बताओ अगर ये 90 डिग्री है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री तो होना ही है, ये तो हम पहले जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई डिग्री क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारे पास है, और यहाँ भी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इसका मतलब हमारी ये लाइन प्रूव हो जाती है, तो ये आपका क्वेश्चन था फिफ्थ नंबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन केवल बचा हुआ है इस एक्सरसाइज में, वो भी देख लेते हैं, सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में क्या दिया हुआ है कि इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक एंगल है, देखो एक एंगल है एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है 64 डिग्री, ये गिवन, चित्र बना नहीं है हमको बनाना पड़ा, ठीक है। फिर कह रहे हैं एक्स वाई को प्रोड्यूस करो, ऐसे बढ़ा दो, हम यहाँ लिख देते हैं वाई, प्रोड्यूस कर दिया, कहाँ तक, पी तक बढ़ा दिया, फिर क्या किया, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, यानी इसको बाइसेक्ट करता है कोई लाइन ऐसे वाई क्यू, ठीक, इसका नाम क्यू हो गया, बाइसेक्ट का मतलब हुआ ये दोनों एंगल बराबर है,
बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कहा जीरो आई पी, फाइंड पता करना है। देखो छठा क्वेश्चन है, इसमें क्या पता करना है, फाइंड एंगल जेड वाई पी और फाइंड, नहीं नहीं जेड वाई पी नहीं, फाइंड एक्स वाई क्यू, ये फाइंड करना है। और दूसरा पता करना है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, दो एंगल पता करना है क्यू वाई पी। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाई क्यू की तरफ चलते हैं, एक्स वाई क्यू पता करना। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना है, ठीक है, कि अगर हमको ये पूरा एंगल कितना होगा, बताओ जेड वाई पी कितना होगा। देखो एंगल जेड वाई पी और बाइसेक्ट किया है, देखो एंगल ये पूरी सीधी लाइन है, सीधी लाइन पर तीन एंगल दिखाई पड़ रहे हैं आपको और ये दोनों बराबर है, बाइसेक्ट किए गए। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 64 गिवन है, तो हम लिख देंगे एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64, ये कितना आ जाएगा 116 डिग्री। एंगल जेड वाई पी बराबर हो गया 116। अब बताओ 116 को दो इक्वल पार्ट में बांटना है, तो अब हम लिख सकते हैं कि मान लो इसका नाम भी ए रख दे, ए डिग्री, और इसका नाम भी ए डिग्री रख दे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस ए डिग्री इज इक्वल टू 116। तो क्या हुआ, 2A इज इक्वल टू 116, ए की वैल्यू हो जाएगी 58 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 58 डिग्री, ओके। और ये भी 58 डिग्री हो गया। अब ये दोनों 58 हो गया, तो जो हमको पूछा गया है एक्स वाई क्यू बता दो, एक्स वाई क्यू बताना है, तो 64 प्लस 58 ऐड हो जाएगा। देखो 64 प्लस 58 ऐड कर दो आप, तो हो जाएगा 8 4 12, 6 5 11 एक 12, 122 डिग्री आपका बन गया, ठीक है। अब पूछा गया कि वाई क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स बताना, तो रिफ्लेक्स बताना, ये 58 तो आपको पहले से पता चल गया। अब 360 में से आपको अपना 58 माइनस कर लेना, बस 360 माइनस 58 कर दो, आपका आंसर बन गया कितना आ जाएगा 302, ये आपका आंसर बन गया। तो आपने देखा एक्सरसाइज 66.1 फिनिश होता है, ठीक है। आप एक एक करके सारे सवाल लगाइएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।